हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर पे पीस नई क्लास में। और आज हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने के लिए अगले एक दशक के दौरान जांच के कई दौर चले और ब्रिटिश संसद द्वारा अनेक कदम उठाए गए। दोस्तों, 1773 ईस्वी में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसके बाद उस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसका उत्तर होता है 1784 ईस्वी में, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पिट्स इंडिया अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी। दोस्तों, इस नए कानून के अनुसार 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना और उनकी कार्रवाइयों पर नियंत्रण रखना था। इसके अलावा दोस्तों, इसके सदस्यों के रूप में इंग्लैंड के अर्थ मंत्री और प्रिवी काउंसिल के सदस्यों को रखा गया था। दोस्तों, भारत में गोपनीय ऑर्डर्स भेजने के लिए 3 मेंबर्स की एक सीक्रेट कमेटी का भी गठन किया गया था। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया था। दोस्तों, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति के किसी भी देशी राज्य के प्रति किसी प्रकार की भी नीति, वह चाहे युद्ध की नीति हो, शांति की नीति हो या मैत्री की नीति हो, नहीं अपना सकता था। चलिए दोस्तों, जानते कि पिट्स इंडिया एक्ट की विफलता के कारण क्या थे। दोस्तों, इस अधिनियम में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से यह एक्ट विफल रहा। इस एक्ट की सबसे प्रमुख कमी यह थी कि इस अधिनियम में कंपनी की शक्तियों और सरकार के अधिकार के बीच की सीमाओं पर कोई स्पष्टता नहीं थी, जिसके कारण कौन सा कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में है यह तय कर पाना मुश्किल था। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट का निष्कर्ष क्या था। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट का पूरक था। यह एक्ट इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसने कंपनी की गतिविधियों और प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति प्रदान कर दी थी। यह पहला अवसर था जब कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटेन के अधीन क्षेत्र कहा गया। इसके पहले जो भी क्षेत्र थे उनको जो है कंपनी के अधीन माना जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद उनको ब्रिटेन के अधीन माना जाने लगा। दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ कमियां रह गई जिनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट 1793 लाया गया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम ISSSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।